पागलपंती के ट्रेलर को डिस्कस करने से पहले, उसके बारे में कुछ बातचीत करने से पहले, मैं फिल्म के डायरेक्टर के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मिस्टर अनीस बाज़मी, इन्होंने कॉमेडी की परिभाषा ही बदल के रख दी है हिंदी सिनेमा में। हिंदी सिनेमा में इनकी जो पिक्चर्स आई हैं दोस्तों, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो इनकी फिल्म बहुत ही अलग होती है। जैसे कि नो एंट्री ले लीजिए, या फिर आप वेलकम ले लीजिए, वेलकम बैक ले लीजिए। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं अनीस सर की जो कि बहुत ज़्यादा हिलेरियस है और जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी जादू बिखेरा। अब ऐसे में वो इस बार लेकर आए हैं पागलपंती, सेट इन लंदन। हम देखते हैं कि किस तरीके से फिल्म के तीन प्रोटैगनिस्ट हैं और फिल्म के दो एंटैगनिस्ट हैं, और ये सभी एक कॉमिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ट्रेलर की शुरुआत से पहले हमें एक स्टैट्यूटरी वार्निंग मिल जाती है, तो ऐसे में आप लोगों को अपना दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फिल्में होती हैं जिनमें दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ फिल्में होती हैं जिनको आप ऐसे ही पॉपकॉर्न खाते खाते एंजॉय करते हैं, जो कि फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं, और पागलपंती भी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म ही नज़र आती है दोस्तों। ट्रेलर में जिस हिसाब से कॉमिक पंचेस डाले गए हैं, जिस हिसाब से हमें स्टोरी थोड़ा सा हाइड करके प्रेजेंट की गई है, वो काबिले तारीफ है। फिल्म के कुछ कुछ सीन्स जो इसमें ट्रेलर में डाले गए हैं वो बहुत ज़्यादा हिलेरियस है। फॉर एन एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। ये जो पूरा टंग ट्विस्टर है दोस्तों, इसका बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। बाय द वे, इस फिल्म के अंदर चंदू जो नाम है वो पुलकित सम्राट का नाम है, और उसी पर ही सारा ये कॉमिक सिचुएशन क्रिएट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म के दो विलन हैं जो कि जीजा साले हैं, यानी कि सौरभ शुक्ला सर, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, एंड अनिल कपूर साहब। अनिल सर कब बूढ़े होंगे मुझे तो पता नहीं चलता, और वो बाकी जितने भी यंग लड़के हैं उनको भी टक्कर दे रहे हैं। फिल्म में तीन हीरोइंस भी हैं और ये एक अलग ही रंग लेकर आ रही है। हालांकि अनीस बाज़मी सर की फिल्मों में हीरोइंस को करने लायक ज्यादा कुछ काम नहीं होता, एक्सेप्ट सम हॉट आइटम सॉन्ग नंबर करने के लिए, या फिर थोड़े बहुत एक दो सीन डायलॉग डिलीवरी के लिए। बट स्टिल यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, स्पेशली अगर बात की जाए तो उर्वशी रौटेला, जो कि मुझे लगता है अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मिस्टेक उनकी फिल्म आई थी इंद्र कुमार की, उसी का ही यहाँ पर रीइनकार्नेशन वर्जन दिख रही है, यानी कि भुतनी बन के। फिल्म में जॉन अब्राहम हमें अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, और जॉन अब्राहम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके का हिलेरियस सिनेमा कर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने भी एक देशभक्ति का या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो जिम्मा संभाला है, उसी से रिलेटेड वो फिल्में कर रहे थे। ये उनके लिए एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होगा। बात की जाए अरशद वारसी की दोस्तों, तो अरशद सर तो एज यूजुअल ही इज द बेस्ट, और कॉमेडी में उनका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता है। फिल्म में और भी कलाकार हमें नजर आ रहे हैं जो कि फिल्म को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। पागलपंती टोटली पागलपंती होने वाली है, और इतना तो तय है कि आप लोग जब भी इस फिल्म को देखने जाएंगे, 22 नवंबर को हो रही है रिलीज, उसके बाद मतलब 23, 24, 25 को जब भी जाएंगे, तब अपना दिमाग घर पे रख कर जाइएगा। प्लीज प्लीज थिएटर में मत लेके जाइएगा, अदरवाइज आप फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपका क्या रिएक्शन है पागलपंती के इस ट्रेलर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।